Hi, guys. स्टोरी डाल दूँ। हाय गाइस, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू जॉइन। मैंने सोचा एक स्टोरी डाल दूँ इस पे। हाय गाइस, आई एम लाइव राइट नाउ, प्लीज जॉइन। हाय शुभांकर, हाय जैनेट, हाय भारती, हाय वैशाली, हाय पल्लवी, हाय दीपक। आज का लाइव जो है, पहले बता दूँ, बहुत छोटा है और मैं बहुत सारे नाम नहीं ले पाऊँगी, बस शॉर्ट में बताऊँगी कि क्या हुआ मुझे। हाय मंजू, आई एम मच मच बेटर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स, फॉर योर विशेस। और गले के ख़राब होने से शुरुआत हुई थी। आई होप यू ऑल कैन हियर मी। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ थम्स अप दे दीजिए, क्योंकि मैं तेज़ नहीं बोल सकती। थैंक यू रिचा, थैंक यू सोनल, थैंक यू, ओके योगिता, थैंक यू रिचा, थैंक यू लावी। ओके, सो गले की खराश से जो है वो शुरुआत हुई थी। तो नॉर्मल जो दवाइयाँ होती है डॉक्टर देते हैं वो ली। उसके बाद मैंने स्पेशलिस्ट को दिखाया, क्योंकि एक हफ्ते तक ठीक नहीं हुई। तो उन्होंने बोला कि शायद मुझे अल्सर हो गया है वॉइस बॉक्स पे, मतलब छाला हो गया था वॉइस बॉक्स पे। रीज़न समझ में नहीं आया, एलर्जी हो सकता है, किसी फूड एलर्जी हो सकती है, पोल्यूशन से हो सकता है, कोई भी रीज़न ही सेट, यस एलर्जी, राइट राइट शुभांकर। सो मच बेटर, टैप फुटबॉल, ओके, तो मच बेटर। फिर उसके बाद एक हफ्ते तक दवाई बेटर हुआ, पर उतना बेटर नहीं हुआ। थैंक यू योगिता। सो व्हाट हैपेंड दैट, दोबारा गई डॉक्टर के पास, तो मैंने बोला ये तो उतना ठीक नहीं हुआ है। थैंक यू सरिता। एंड देन ही चेक्ड अगेन, एंड उन्होंने बोला काफ़ी ठीक हुआ है, लेकिन वी हैव टू डू अ टेस्ट, एंडोस्कोपी होता है ना, गले में देखते हैं कैमरे से क्या है, एग्जैक्टली क्या है, क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो देन वी डिस्कवर्ड दैट छोटा सा, एक बहुत छोटा सा कोई ज़ख्म है, एंड देर इज़ अ नोड्यूल, नोड्यूल मतलब एक छोटा सा दाना जैसे होता है ना, वेरी स्मॉल दाना, वो वॉइस बॉक्स के पास है। तो उन्होंने मुझे दो तीन चीज़ें बोली, ब्लैंड खाना जो कि मैं काफ़ी टाइम से खा रही हूँ, सिर्फ नमक वाला वो बोला, एंड मतलब अदरक लहसुन प्याज वगैरह डालते हैं, मसाले गरम मसाला वगैरह मिर्ची नहीं। फिर उसके बाद मुझे बोला कि मैं पानी लूँ 3 लीटर के करीब रोज़, हो सके तो गुनगुना पानी लूँ, ज़्यादा गर्म नहीं। यस यस एग्जैक्टली, स्मॉल स्वेलिंग, यस। सो उसके बाद जो है उन्होंने मुझे मेडिसिन मेरी चेंज की। तो चेंज करने के 2 दिन के बाद ही मैं इतना बोल पा रही हूँ और तकलीफ भी बहुत कम है। तो अच्छा हुआ एंडोस्कोपी कर ली, पता चल गया एग्जैक्टली कि क्या था। एंड एक हफ्ते के लिए 21st को बुलाया है, 8 डेज समझ लीजिए कुछ है, एंड 8-10 डेज। तो मैं जाऊंगी दोबारा, तब तक होपफुली ठीक हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन की मेडिसिन में ही मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है अब, एंड आई एम फीलिंग क्वाइट बेटर। थैंक यू सो मच, मैं आपके नाम आज नहीं ले पा रही हूँ। हाय दीपक, हाय वैष्णवी, हाय दिया, हाय लिजा, थैंक यू। सो वॉइस रेस्ट बोला है मुझे, मतलब जितना कम हो सके उतना कम बोलूँ, जो कि मेरे लिए खास करके, और हम फीमेल्स के लिए स्पेशली मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, पर मैं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो 5 मिनट लाइव आती हूँ और एटलीस्ट आपको बता देती हूँ। आई एम रिकवरिंग रश्मि, मच बेटर। तो लाइव आती हूँ, एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर दूँ, क्योंकि आप लोग पूरे जर्नी में मेरे साथ बने रहे। थैंक यू मुझे कमेंट्स भेजने के लिए, विशेस के लिए। और आज एक वीडियो मैंने जो पहले ये होने से पहले शूट किया था, नंदिनी जो ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं बनती थी ना निधि,
उत्तम उनकी थाली शूट की थी उनके घर पे, बहुत प्यारा वीडियो है। और इतने टाइम के बाद मिले मैं और नंदिनी, मैं मतलब नहीं थी, तो आप लोग 3 बजे आएगा ज़रूर देखिएगा। एंड फिर सैटरडे से आई थिंक आई शुड बी फाइन बाय सैटरडे, सैटरडे से रिज्यूम करूँगी काम में। तो थाली आज वैसे मैंने शूट कर ली, बहुत मन कर रहा था, ऐसे थोड़ा थोड़ा ही बोलूँगी, तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। हाय किटू, थैंक यू, एंड जैसे अभी तक साथ दिया हमेशा दीजिएगा। यू नो ये एक इट इज़ नॉट जस्ट यूट्यूब, एक सिर्फ काम या बिजनेस नहीं है, एक लगाव हो चुका है, एक अटैचमेंट हो गया है, एक कहते हैं ना कि दिन जब चढ़ता है तो कुछ सामने देखने के लिए, मतलब लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, आई वुड लाइक टू से दिस इज समथिंग विच आई लुक फॉरवर्ड टू टॉक टू यू ऑल, टू कनेक्ट, टू मेक वीडियोज़ फॉर यू ऑल, जो मेरी लाइफ में बहुत सारी और लाइफ भर देता है, हैप्पीनेस भर देता है। आई टेक रेस्ट एंड मैं काम करूँगी, म्यूट रील्स डालूंगी म्यूजिक वाली वाली। थैंक यू, प्लीज़ बी विद मी, बस ये एक हफ्ते की बात है, ठीक हो जाऊँगी। कीप मी इन योर प्रेयर्स, अदरवाइज मैं बिल्कुल फिट फाइन हूँ, आई कैन एक्सरसाइज, आई हैव लॉट ऑफ एनर्जी, आई कैन ट्रैवल, गो आउट। सिर्फ बोलना और खाना, ये दो चीज़ों पे जो है ना भगवान ने थोड़ी लगाम लगाई है, तो हम शांत रहेंगे और ब्लैंड खाएंगे। ओके, लव यू ऑल, आई विल टेक योर लीव, ये छोटा सा ही लाइव था, आई कैन नॉट स्ट्रेन माई सेल्फ मोर, बाय बाय, लव यू ऑल।